नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और ग्राम पंचायत भवन में अपना सीएससी सेंटर शिफ्ट करके जो सीएससी और पंचायती राज विभाग की तरफ से मासिक सैलरी दी जानी है और उसके साथ साथ में जो ग्राम ई स्वराज का पोर्टल है और उसके साथ में बहुत सारी जो ग्राम पंचायत की सर्विसेज हैं, चाहे परिवार रजिस्टर की नकल हो, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या और भी बहुत सारी डाटा डिजिटाइजेशन का जो काम है वो अगर आप करना चाहते हो तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको इस योजना का कोई भी लाभ मिल पाएगा, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम और आपके लिए इस तरह की नई और वीडियोस ला सकें। अगर आपको इस योजना के बारे में कुछ भी अपडेट में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्ले स्टोर से जाके वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे साथ में बातचीत कर सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और अगर आप एक नए सीएससी वीएलई हैं तो वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पर जाके मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यहाँ से आपको सीएससी और सोसाइटी के संबंध में जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है आपके सीधे ईमेल एड्रेस पे मिल जाता है, ठीक है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि सीएससी जो पंचायत भवन शिफ्टिंग का मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एक स्टेट में कैसे कैसे वीएलईज को जो है ग्राम पंचायत भवन में शिफ्ट किया जा रहा है और उसके लिए उनको जो है मासिक वेतन भी दिया जा रहा है। लेकिन आज उसके साथ में एक और नया अपडेट आया है कि ये जो पंचायत भवन में वीएलई शिफ्ट किए जाएंगे, यानी कि जिन वीएलईज को ग्राम पंचायत का काम दिया जाएगा उनको कुछ और पोर्टल दिया जाएगा, उनको जो है कुछ और सर्विसेज जो बाकी वीएलईज के पास नहीं होंगी। एक तो वेतन तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी कुछ और नई सर्विसेज हैं जो उनका लाभ सिर्फ और सिर्फ पंचायत वीएलई को ही मिलेगा या वही कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक इमेज खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नए पंचायत स्तर पर स्थापित होंगे सीएससी, पंचायतों की समस्याओं का होगा समाधान, करवा सकेंगे ऑनलाइन काम, ग्रोथ सेंटर से जोड़ा जाएगा, ठीक है। सीएम के निर्देश हैं यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले तो आप सभी वीएलईज को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी ये पंचायत वाले काम होते हैं, सीएससी का जो ग्राम पंचायत वाला काम होता है, ये आता है आपका पंचायती राज विभाग भारत सरकार के अंडर में, ठीक है। और जैसे कि आपने पिछले लास्ट वीडियो में देखा होगा तो मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ITDA और पंचायती राज विभाग जो सीएससी के माध्यम से न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत के स्तर पर जो सीएससी सेंटरों को जोड़ रहा है और इसके तहत पंचायतों का कार्य सीएससी के जरिए से होगा और इसके एवज में प्रति सीएससी को 2500 रुपये का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। जो स्कीम जो है उत्तराखंड के वीएलईज के लिए था, ठीक है। आज क्या इस अपडेट में बड़ा है, क्या नया है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे कि पंचायतों के होंगे ये काम, कौन कौन से काम ग्राम पंचायतों के होंगे वो मैंने यहाँ पे आपको हो सकता है ना दिख रहा हो पढ़ने में, तो लिंक दे दिया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे जाके आप इस पूरे अपडेट को पढ़ सकते हो। सीएससी वीएलई मंथली सैलरी और ग्राम पंचायत शिफ्टिंग वाला इमेज भी लगा दिया है और साथ ही यहाँ पे ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम होंगे वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो है काम होगा रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि आपको पता होगा ग्राम पंचायत भवन के या ग्राम पंचायत के जो भी लेख जो होते हैं, ई ग्राम स्वराज करके एक स्कीम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी थी, उसके लिए उसका जो ऑनलाइन का सारा काम होता है, डाटा डिजिटाइजेशन का काम होता है, वो सारा का सारा काम किया जाना है इन पंचायत वीएलई के माध्यम से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा होगा रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। दूसरा है डाटा इनपुट, ठीक है। डाटा इनपुट क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जब भी कोई ग्राम पंचायत में काम होता है तो उसके लिए एक एक्सेल शीट या पोर्टल रहता है जिसमें भरना रहता है कि आज कितना काम हुआ क्या नहीं हुआ, उस तरीके का डाटा इनपुट वाला काम होता है। तीसरा है ग्राम पंचायत के रजिस्टर का रख रखाव, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे ग्राम पंचायत के रजिस्टर का रख रखाव भी इसके अंडर में आएगा। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ठीक है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल अगर आपको नहीं पता है तो देखोगे ई ग्राम स्वराज .gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ पे ई ग्राम स्वराज यानी कि गवर्नमेंट में पंचायत में होने वाले सभी कामों का सारा डाटा ऑनलाइन किया जाना है और इसके माध्यम से सारी रिपोर्टें और सारी चीज़ें जनता को अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर इसका काम किया जाना है, ये भी वीएलई काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के प्रस्ताव। देखो जैसे जब भी कोई ग्राम पंचायत में काम होना होता है या कुछ किया हो जाना होता है, जैसे कोई अगर खाली ज़मीन पड़ी है उसका पट्टा करना है तो उसके लिए भी प्रस्ताव निकलता है, कोई रास्ता बनना है उसके लिए भी प्रस्ताव निकलता है, तो ये सारी चीज़ों का जो प्रस्ताव है वो अब जो है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बनाया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के प्रस्ताव, ठीक है। अगला क्या है, प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारी होंगे या उनके कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देना है या गाँव के लोगों को कोई ट्रेनिंग देनी है तो वो इसके माध्यम से किया जाएगा। प्रबंधन यानी कि जो लोग हैं उनको क्या काम करना है, अगर कोई ऊपर से ऑर्डर आता है तो उनको मैनेज करके सारी चीज़ें बतानी है और उनसे वो काम करवाना है, ठीक है। अगला है राज्य वित्त, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य वित्त का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता देता हूँ कि यहाँ पे
कई विकास कार्यों के लिए सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों को पैसा दिया जाता है, उसके लेख जो खर्च हुआ बचा उसका जो विवरण है, राज्य के वित्त से संबंधी जो भी कार्य हैं वो किए जाएंगे। अगला है सीएम डैशबोर्ड। सी तो सीएम का मतलब क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री का जो डैशबोर्ड रहेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो ITDA और पंचायती राज विभाग। ठीक है, तो पंचायती राज विभाग क्या होता है कि ये तो हो गया आपका पंचायती राज विभाग भारत सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, लेकिन ये ITDA जो है ये आपका एक जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी बॉडी होती है। तो देखोगे यहाँ पे उत्तराखंड के लिए था ITDA। ठीक है, तो ये क्या है कि अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहती है, जो सीएम डैशबोर्ड रहता है, वो कई उनके राज्य संबंधी ग्राम पंचायतों के जो काम होते हैं वो भी सीएम डैशबोर्ड पे उनका नोटिफिकेशन आता है, उनकी डिटेल अपडेट करनी रहती है, तो वो काम किए जाएंगे। और अगला फिर वही है कि स्टेट एंड सेंट्रल वित्त पोर्टल। ठीक है, तो ग्राम ई स्वराज के माध्यम से अगर कोई ग्राम पंचायत को पैसा आता है या कुछ काम होना होता है तो उसकी जानकारी अपडेट करनी रहेगी। और आगे क्या है कि परिवार रजिस्टर की जो नकल है, तो देखो यहाँ पर लिखा होगा परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि। ठीक है, तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि ये सर्विस तो की ही जाएंगे। और इसके साथ में और ग्राम पंचायत से रिलेटेड नई कोई स्कीम आती है या और भी जो सर्विसेज हैं वो सभी ग्राम पंचायत के जो CSCVLE होंगे उनके माध्यम से ही लोगों को दी जाएंगी। ठीक है, अभी क्या है, डिजिटल सेवा पोर्टल जो आप लोग यूज़ करते हैं वो तो सभी VLE यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो 2500 रुपये मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्राम पंचायत के तहत VLE काम करेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे मेन जो अपडेट है, जो मेन पॉइंट है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये स्कीम जो है अभी तो सिर्फ उत्तराखंड राज्य में ही चल रही है। जैसे कि आप देखोगे देहरादून है और यहाँ पे उत्तराखंड है, और इस तरीके से अभी के जो ये स्कीम है पंचायत शिफ्टिंग का जो काम चल रहा है अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के VLEs के लिए है। लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि आप जानते हो कि पंचायती राज विभाग भारत सरकार के अंडर में आता है और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के भीतर जो है सभी ग्राम पंचायतों का, देश की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं सभी का काम डिजिटाइज होना है। ठीक है, तो आप अगर उत्तराखंड से VLE नहीं हो तो आपको परेशान होने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर आज नहीं तो कल, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब भी होगा तो डिजिटाइजेशन का अगर काम करना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में जब भी आपको पता है कि ग्राम किसी भी ग्राम पंचायत के पास में कोई मैन पावर नहीं है, कोई डिजिटल वर्क करने वाले लोग नहीं है, तो ऐसे में अगर कहीं पे भी किसी को रखना होगा तो वो CSCVLE के अलावा किसी और को काम नहीं मिलना है। तो इसलिए आप लोग अगर आपके स्टेट में अभी नहीं है, यहाँ पे नहीं आ रहा है स्कीम में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या बाकी लोगों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप VLE सोसाइटी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, या हम जब भी आपके राज्य में होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, या आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ से भी मैं आपको इसके बारे में अवेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे CSC को एक और इसके माध्यम से काम दिया जाना है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि जो सभी गाँवों को है इंटरनेट से जोड़ा जाना है, और सबसे पहला राज्य बिहार जो था घोषित किया गया था कि वो बनेगा सबसे पहले गाँव को जोड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सेंटर है ग्राम पंचायत वाले, इनके दो काम मुख्य हैं, जैसे कि लिखा होगा इसके लिए दो ज़रूरतें, एक ग्राम पंचायतों में नेट कनेक्टिविटी हो और दूसरा पोर्टल में डाटा एंट्री। ठीक है, तो पोर्टल में एंट्री जो है उसके लिए मैं बता ही चुका हूँ, डाटा इंटरनेट पहुँचाने के लिए भारत नेट काम ही कर रहा है, उसके लिए ये रख रखाव का जरूर पूरा काम है वो ग्राम पंचायत का VLE करेगा। और इसके साथ में CSC को लोकल के लिए वोकल की थीम पर ग्रोथ सेंटर के काम क्या से जोड़ा जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ सेंटर क्या होता है कि एक सेंटर होता है, सरकार की एक स्कीम है जिसमें गांव के लोगों के विकास के लिए या लोगों की शिक्षा के लिए काम करती है, तो उसको भी CSC से जोड़ा जाएगा। और ग्राम पंचायत के लोगों को जो भी ट्रेनिंग देनी होगी या और लोगों को जो भी ट्रेनिंग देनी होगी वो भी CSC के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसकी उपयोगिता को अच्छा सराहा है। और यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं यानी कि पंचायत सचिव हैं उन्होंने बताया है कि लगभग 1500 लोगों के सिर्फ उत्तराखंड में ही रखे जाने की उम्मीद है, और इनको जो ITDA है, पंचायती राज विभाग है, और CSC से के साथ में उनको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2500 रुपये का सैलरी है, सबसे पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पंचायत VLEs को मिलेगा, सभी जो डिजिटल सेवा VLEs हैं उनको नहीं मिलेगा, इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी पंचायत VLE का सिलेक्शन किस तरीके से होगा, अभी ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए है, तो उत्तराखंड के लोग अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हो, बाकी अगर किसी स्टेट में होता है या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूँगा। तब तक आपको इसके लिए कहीं भी भागदौड़ करने की, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर आपके स्टेट में
नहीं है तो आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह को जानकारी नहीं होगी और आप फ़ोन करोगे तो मे बी वो आपको सही से जवाब ना दे पाएँ और यही बताएं कि ये ऐसा कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपके लिए पूरा का पूरा अपडेट मैंने लिख दिया है, लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पहुँचाना। मिलता है ऐसा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।